हेलो स्टूडेंट नमस्कार, आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी सिद्धस्त। आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है के सी के यूट्यूब चैनल में। मेरे बच्चों, पेपर लीक हो रहा है। यस बच्चों, के सी फाइनली इस बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आया है। सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, अगर आप उससे बिलोंग करते हो, डीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की एग्जाम दे रहे हो, तो कंपलसरी और फेवरेट सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट नंबर 362 दैट इज एडवांस अकाउंट 2 वाला जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसका क्वेश्चन बैंक हम आपके लिए लेकर आए। टाइम कम है तो सब कुछ पढ़ नहीं सकते, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। सर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, इसका जवाब आपको सेशन के एंड तक मिल जाएगा, बट सेशन के एंड तक देखना होगा। नहीं नहीं 10 मिनट से कम टाइम रहेगा बच्चों, छोटा ही वीडियो रहेगा 10 मिनट से भी कम टाइम का। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके जितने भी कॉलेज के ग्रुप है, फ्रेंड्स के ग्रुप है, हर जगह पे ये वीडियो को पहुंचाना है, क्योंकि बाकी के फ्रेंड्स को भी यह ज्ञान मिले। और सिर्फ पेपर पैटर्न ही नहीं, बेसिकली आपको ओवरऑल पूरे पेपर के बारे में आइडिया मिलेगा इस सेशन। ठीक है, लेट्स सी। तो टी बाय बीकॉम सेमेस्टर 2 वाले एडवांस अकाउंटिंग 2 का हम क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों अपना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बार पेपर पैटर्न का याद दे ही दो, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में याद दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग 2 का जो पेपर पैटर्न है, इसमें हाँ, जिसमें आप देख सकते हो 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 मार्क के ट्रू और फॉल्स है, ये हो गए 10, 5 मार्क का मैच ऑफ द पेयर्स 15 मार्क और 15 मार्क के शॉर्ट नोट्स। अगर हम इसमें क्वेश्चन बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक सर कौन से क्वेश्चन दोगे आप? ऑब्जेक्टिव वाले तो देने नहीं वाले, सर क्वेश्चन बैंक में रहेगा फिर क्या? फिर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको जो बाकी क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल वाले, वो किस टाइप के आएंगे वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो सबूरी दोनों ही जरूरी है। और बच्चों, अगर आपने स्टडी नहीं किया, एग्जाम में वाट लगने का डर है, लास्ट सेमेस्टर में फेल होने का डर है, लास्ट सेमेस्टर में एक फेल मतलब डायरेक्ट वाईडी होता है, ईयर ड्रॉप, ऐसा ना लगे तो बच्चों अभी भी हमारा रामबान बैच ज्वाइन कर लीजिए। केकेसीए का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, वहाँ पे फिल्टर मिल जाएगा टी वाई बीकॉम सेमेस्टर, या फिर ओपन करते ही फ्रंट पेज पे आपको मिल जाएगा हर ईयर का सेमेस्टर का अलग अलग टाइल दिखेगा आपको। टी वाई बीकॉम सेमेस्टर 6 वो टाइल पे क्लिक करिए, सब कोर्सेज मिल जाएगी, जहाँ पे रामबान बैच आपको सिर्फ 999 रुपीज में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है बच्चों। यस, बहुत भरा हुआ कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए कंटेंट है वो सब आपको दिया गया है, और वो सब आप कम टाइम में भी कवर कर सकते हो 999 में सिर्फ। ठीक है, नाउ बैक टू द पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स की, जैसे कि अभी समझ गया, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मैच द पेयर्स, इसका तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक देने से रहा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं आता। तो शॉर्ट नोट्स अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक के लिए, तो आते हैं अपने शॉर्ट नोट्स पे। फर्स्ट चैप्टर बच्चों, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दो पेपर मैंने देखे हुए इसमें, अक्टूबर 22 और अप्रैल 22, क्योंकि अप्रैल 2023 के जो पेपर है उसमें अकाउंट्स का पेपर ही गायब है, कैसे आई डोंट नो। एसपीपीयू जो यूनिवर्सिटी है, ऑथराइज पुणे यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करो तो अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर मिसिंग है। ठीक है, तो जो पेपर अवेलेबल है उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कवर किए इसमें। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अब तक इस चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दूसरा, वी आर एक्सपेक्टिंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में आ सकता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछ लिया है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट्स बन गया। तब चार शॉर्ट नोट्स, सर कितने हैं टोटल शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं? देखो बच्चों, टोटल शॉर्ट नोट्स है 5। ठीक है, उसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 दैट इज कोऑपरेटिव फाइनल अकाउंट और चैप्टर नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बड़े बड़े क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये न्यूमेरिकल में कवर होने वाला है, इसलिए चैप्टर 3 रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग और चैप्टर 4 भाई हाँ रेशो वाला, इस पे ही आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे फोकस किया गया है, मोस्टली इस पे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग, इसमें भी अगर आप प्रीवियस एग्जाम देखो तो सिर्फ एक ही शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, दैट इज नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, क्या जरूरत है ब्रांच अकाउंटिंग की, ये पूछा गया था। तो 2 हमने एडिशनल दिए हुए, हमें ऐसा लगता है कि डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट पूछने के चांसेस नहीं के बराबर, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल में भी नहीं है, तो डिपेंडेंट ब्रांच ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड या फिर डेटर्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये दोनों में से एक मेथड पूछा जा सकता है। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर 3,
चैप्टर थ्री की बात करें तो रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर इकलौता ऐसा चैप्टर है पूरे सेमेस्टर में, चार चैप्टर में से एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें प्योर थ्योरेटिकल पार्ट ही है, जिसमें न्यूमेरिकल एक मार्क का भी नहीं है। इसलिए इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। पहले अगर अक्टूबर 2022 की बात करें तो दो क्वेश्चन आए थे। देखो पूरे चैप्टर का आपको जो शॉर्ट में याद दिला दूं, ये जो चैप्टर है बच्चों रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, इसमें चार पॉइंट कवर होते हैं ये चैप्टर में। एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग, दूसरा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटिंग। तो ये चार में से कम से कम दो पॉइंट पे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे अलग अलग। ओके जैसे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकाउंटिंग फॉर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे। ओके तो एक क्वेश्चन अगर CSR पे है तो एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे, मतलब वो जो चार पॉइंट है उसमें से कोई भी दो पॉइंट उठाए जाएंगे। अप्रैल 2022 की करूं तो उसमें भी सेम हुआ है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे एक क्वेश्चन है, CSR पे एक क्वेश्चन है और डेरिवेटिव पे भी एक क्वेश्चन है। मतलब शॉर्ट नोट्स में तीन लिखने हमें पांच में से, तीन तो इसी चैप्टर से पूछे गए, इसी चैप्टर से तीन आए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन नहीं था। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक ऐड किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटिंग फेनोमेनन एंड ड्यूटीज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो आप पकड़ के चलो CSR पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे क्वेश्चन आएगा, CSR और फॉरेंसिक दोनों में से 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेरिवेटिव दोनों में से एक पे क्वेश्चन आएगा, बाकी आपको CSR और फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके ही जाना है, पर फॉर श्योर क्वेश्चन आने ही वाला है, कोई डाउट नहीं उसमें, ठीक है। तो सर अगर हमने थ्योरी शॉर्ट नोट्स के लिए अगर हम थ्योरी सोचे कौन सा चैप्टर का थ्योरी स्किप कर सकते हैं, तो बच्चों चैप्टर थ्री का तो स्किप नहीं कर सकते, बाकी जो करना है स्किप कर दो, फर्स्ट चैप्टर स्किप कर दो, सेकंड चैप्टर स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन थर्ड और फोर्थ वाला थियोरेटिकल पार्ट स्किप मत करना, बिल्कुल मत करना। तीन और चार ये दोनों चैप्टर के भी कर लो तो आपके तीन शॉर्ट नोट्स का काम तो हो ही जाएगा। फोर्थ चैप्टर जो बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रेशियो वाला चैप्टर, इस पे भी अब तक क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स था मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, उसके बाद पूछा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाला, फिर पूछा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वैसे तीन क्वेश्चन पूछे गए। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू अस हमने तीन क्वेश्चन और ऐड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट पूछा जा सकता है, या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट है, या इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो है, और एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है तो अभी लिक्विडिटी रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज जो बैलेंस शीट वाले पार्ट है, लिक्विडिटी रेशियो या फिर सॉल्वेंसी रेशियो, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो दिस वॉज शॉर्ट नोट्स। अब जो न्यूमेरिकल्स है उसमें से क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर हम देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करें तो ये पेपर है अक्टूबर 2022 का, कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेस एंड सेल्स मतलब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पूछा है। ये कब की बात है, ये बात है अक्टूबर 22 की, लेकिन अप्रैल 22 की अगर हम बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे पूछा गया। तो एक बार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक बार कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मेरे हिसाब से दोनों भी आपको स्किप करना अलाउड नहीं है, ओके। दोनों भी चीजें आपको कवर करनी है, दो दो क्वेश्चन, मतलब लगे तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी कम हो तो चल जाएगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आप कर लो, लेकिन दोनों वैरायटी कवर करना जरूरी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, याद से ये दोनों चीजें कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कितने मार्क्स का था भाई, ये 20 मार्क वाला बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ 20 मार्क का और एक बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज रेशियो वाला, रेशियो एनालिसिस। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से बच्चों का फेवरेट टॉपिक है, इसमें तो आप स्किप नहीं करोगे ऐसा मुझे लगता है। अप्रैल 2022 के क्वेश्चन अगर आप देखो तो नॉर्मली चार रेशियो पूछते हैं, इन्होंने होलसेल में आठ रेशियो पूछ लिए, लेकिन बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आप देखो तो पहले चार रेशियो तो टर्नओवर वाले ही है, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। एंड वाले दो तो बहुत ही इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रेगुलर है एकदम। बस ये थोड़े से दो नए पूछ लिए, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड, मतलब डिफिकल्ट नहीं वो भी, बट हाँ पूछे गए हैं थोड़े अलग। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 की बात करूं तो रेशियो एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन था, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 20 मार्क का क्वेश्चन, इसमें सिर्फ पांच रेशियो पूछे गए हैं, जिसमें से तीन तो टर्नओवर वाले हैं, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। बच्चों बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया चैप्टर है,
एक नंबर मतलब बहुत लिमिटेड रेशियो से, एकदम 7-8-10 रेशियो कर रहे हैं, उसके बाहर रेशियो पूछे ही नहीं जाते आपको। उसमें से क्वेश्चन आने वाला है 20 मार्क के लिए, बहुत बढ़िया है, ये करना ही करना है आपको, हालत में ये करना है। परफेक्टली फॉर्मूले लर्न कर लो और प्रैक्टिकल भी सॉल्व करो। किसी बहुत सारे बच्चों को लगता है एक बार फॉर्मूले लर्न जो है लर्न हो जाए आराम से कर लेंगे, बच्चों फॉर्मूला भी आ जाए तो उसमें से वैल्यूज उठाते भी आना चाहिए। ओके, और दोनों भी अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों भी दिया है। कहने का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो वगैरह जो है वो सब चीजें अच्छे से करके ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्शन में, ऑफकोर्स कोऑपरेटिव ब्रांच और फाइनेंशियल, सॉरी ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों क्वेश्चन 20-20 मार्क के, तीनों में से दो करने हैं। तो दोस्तों ब्रांच अकाउंटिंग की अगर आप क्वेश्चन देखोगे, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैन ब्रदर्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है और आपको दिखा दो बच्चों भाई, हाँ ब्रांच अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जैन ब्रदर्स वाला क्वेश्चन पूछा है। मेथड की अगर बात करें, डेटर्स मेथड वाला क्वेश्चन है, ये वैल्यूज आप देख सकते हो बच्चों, जैन ब्रदर्स 79,000, 1,13,900, 79,000, 1,13,900 वैल्यूज के साथ एज इट इज उठाया है क्वेश्चन, एज इट इज वर्डिंग, बस कॉपी और पेस्ट, नथिंग एल्स, एक वैल्यू चेंज नहीं की बच्चों ने, एक वैल्यू, पूरा क्वेश्चन एज इट इज उठाया है निराली बुक से। सॉल्व वाले क्वेश्चन करो, आंसर के पास जाओ भी मत, सॉल्व वाले क्वेश्चन करो। और हाँ, मेथड कौन सी, डेटर्स मेथड, सिर्फ डेटर्स मेथड। सर ये कब का पेपर था, ये कौन सा वाला पेपर की बात कर रहे हो सर आप, ये था अप्रैल 2022 का। सर उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2022 में जो क्वेश्चन आया, क्या वो भी टेक्स्ट बुक में था, लेट्स सी, वो भी दिखा दिया जाता है आपको। भरत ये रहा, अगला ही क्वेश्चन है बच्चों, अगला ही क्वेश्चन है भरत ट्रेडर्स, फिगर्स देख लो, 1,57,100, 10,054,100 रुपया, दिख रहा है सब कुछ, एज इट इज, नाम के साथ, वैल्यूज के साथ, कॉपी और पेस्ट, 20 मार्क का क्वेश्चन, ये भी डेटर्स मेथड वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स डेटर्स मेथड करके जाओ, परफेक्ट करके जाओ, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के भी एक दो क्वेश्चन से ऐड करके जाओ, ऐसा मेरा सजेशन होगा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक से डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा, बढ़िया पेपर रहेगा। बस पेपर के एग्जाम के बाद भी बच्चों आपका रिस्पॉन्स देना, और हाँ ये जो वीडियो मिला है सब तक पहुंचाओ, आपको पेपर कैसा गया वो भी डेफिनेटली बताओ। हम एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी हमेशा आपके साथ थे और रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।